मनीषा कोइराला अपने जमाने की सुपरहिट हीरोइन रही हैं। उन्होंने दिलों पर, अवार्ड्स पर और बॉक्स ऑफिस पर राज किया है और अब एक बार फिर वो पर्दे पर दस्तक देने को तैयार हैं। 2 जून को उनकी फिल्म डियर माया रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनसे पूछा गया कि सलमान खान और जैकी श्रॉफ में कौन ज्यादा हॉट है, तो मनीषा का जवाब शानदार था। उनका कहना था कि सलमान खान तो अभी ट्रेंड में आए हैं, पहले तो वो क्यूट से ही लगते थे और जैकी श्रॉफ की उस जमाने में बात ही कुछ और थी, उनसे ज्यादा हॉट कोई नहीं था। मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ ने ढेरों फिल्मों में साथ काम किया है। वहीं उनकी और सलमान की खामोशी की केमिस्ट्री को कोई भूल नहीं सकता। वैसे मनीषा कोइराला उन चंद एक ट्रेस में हैं जो हर किसी के साथ शानदार लगी। अनिल कपूर के साथ $1942 लव स्टोरी हो या फिर आमिर खान के साथ मन, शाहरुख खान के साथ दिल से हो या बॉबी देओल के साथ गुप्त, मनीषा हर किसी के साथ बहुत अच्छी लगी है। जहाँ तक रही सलमान और जैकी श्रॉफ की बात, तो मनीषा ने कोई गलत बात नहीं कही।